हेलो फैंस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेटस बार के बारे में। जैसे कि हम स्टेटस बार सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फैंस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैन, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे सेटिंग पर। फैंस, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है नोटिफिकेशन स्टेटस बार, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेटस बार पे जाएंगे और आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको मैं बताऊँगा किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आइकन, तो नोटिफिकेशन आइकन को आप आइकन में शो करना चाहते हैं या फिर नंबरिंग में शो करना चाहते हैं या फिर डोनर शो करना चाहते हैं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी स्टाइल, बैटरी स्टाइल को आप ओरिजेंटल में रखना चाहते हैं, इस तरीके से लूप में रखना चाहते हैं, इस तरीके से, ये देखिए मेरी चेंज हो रही है, और इस वाले ऑप्शन पर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं डू नॉट शो करना चाहते हैं डू नॉट शो कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज को इनसाइड रखना चाहते हैं, आउटसाइड रखना चाहते हैं, या फिर डू नॉट शो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको आप ऑन करेंगे तो ऊपर आपका नेटवर्क स्पीड शो हो जाएगी। ये तभी शो होगी जब आपका नेट या फिर वाईफाई कनेक्ट होगा। ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फॉर्म से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।